मारुति सुजुकी सेलेरियो को लॉन्च करने जा रही है। बुकिंग स्टार्ट कर दी गई है। कितने अमाउंट से बुकिंग की गई है, कार देखने में कैसी लग रही है, क्या ये सचमुच इंडिया की सबसे ज़्यादा फ्यूल इफिशेंट कार होगी, सारी बातें समझते हैं इसी डिटेल्ड वीडियो में। मैं हूँ आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। पेट्रोल तो आसमान छू चुका है, 100 भी पार कर चुका है, उसको भी अब काफ़ी वक्त हो चुका है। ऐसे हालात में हम इंडियंस अगर वापस फ्यूल इफिशेंसी की तरफ जा रहे हैं तो गलती कर रहे हैं या नहीं, यह तो तय करना हमारा खुद का काम है। लेकिन इस बात को ये कंपनी भी अच्छे से समझने लगी है, वह है इसीलिए बार बार और फ्यूल इफिशेंट कारों को लॉन्च कर रही है। और मारुति ने अब तक की सबसे अधिक फ्यूल इफिशेंट कार को भारतीय बाजार में लॉन्च करने का मन बना लिया है। नाम है सेलेरियो। सेलेरियो भारतीय बाजार में नवंबर मंथ में ही लॉन्च कर दी जाएगी और इसकी बुकिंग स्टार्ट कर दी गई है और बुकिंग अमाउंट रखा है 11,000 रुपीज। पहले बात कर लेते हैं कार देखने में कैसी लगी है। हो सकता है आपका कोई दोस्त नई कार खरीदने के मूड में हो और वह सस्ती कार ढूंढ रहा हो, उसके साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। फ्रंट से जगह देखने की बात आएगी तो इसमें आपको हैलोजन बेस रिफ्लेक्टेड हेडलैम्प मिल रहे हैं, ऊपर ही उनके आपको इंडिकेटर्स दे रखे गए हैं। ग्रिल काफी यूनिक तरह से डिजाइन की गई है, कहीं कहीं मुझे कुछ कुछ XL6 की याद दिला रही है। और साथ ही मेन ग्रिल जो है उसका डिजाइन भी काफी अच्छा है, बीच में सुजुकी का लोगो दे रखा गया है और कुछ कुछ फ्रंट से मुझे यह काफी हद तक बलेनो से भी इंस्पायर्ड लग रही है, या मिनी बलेनो कहना इसको ज्यादा सूटेबल लग रहा है कुछ मामलों में। अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल से जो बात इसमें साफ साफ क्लियरली दिखाई दे रही है, अगर मैं उसको लेकर कहूँ तो साइड से सबसे पहले आपकी निगाह पहुंचेगी रिक्वेस्ट सेंसर की, क्योंकि ये डोर ऊपर उठा के खींचने वाले हैं, जिन्हें पुल अप करके खींचने वाले कहते हैं शायद, अब पता नहीं आप किस नाम से बुलाते हैं। उसके साथ रिक्वेस्ट सेंसर देना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए कंपनी ने बगल में एक बटन दे दिया है। थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया ये देखना, हाँ मुझे थोड़ा यूनिक भी लग रहा है, मज़ा भी आएगा इसको यूज करते हुए। बाकी पूरी कार बिल्कुल वैसे ही है, थोड़ा सा नया डिजाइन एलिमेंट तो बहुत बदल गया, काफ़ी कुछ बलेनो से इंस्पायर्ड है, वैसी गोलाई कार लिए हुए कार है। और आपको पता है बलेनो किस कार से इंस्पायर्ड थी, लिखना नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर। मुझे यह देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है और इसके साथ साथ इसमें की होल भी दे रखा गया है। डोर भी अच्छी साइज के हैं और आपको आउटसाइड रियर व्यू मिरर में ही इंडिकेटर्स भी दे रखे गए, जो इस सेगमेंट में शायद पहली बार मुझे देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको कोई और भी कार याद आ रही हो तो प्लीज़ मुझे याद दिलाना, हो सकता है कि मैं गलत हूँ इस मामले में। पीछे की तरफ से देखने में कैसी लग रही है, तो मुझे यह कार पीछे से कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। हाँ, इसमें रियर डिफॉगर दे रखे गए हैं, छोटा सा स्पॉइलर भी मौजूद है, रियर वाइपर भी मौजूद है और टेल लैंप जो है वह भी बिल्कुल नए डिजाइन के हैं, यानी पूरी कार कम्प्लीटली नई हो गई है। सेलेरियो की बैजिंग दे रखी है, रिक्वेस्ट सेंसर भी मौजूद है और बीच में आपको सुजुकी का लोगो दे रखा गया है। और हाँ, हैच जो पीछे का दरवाजा है उसी पर आपको नंबर प्लेट भी प्रोवाइड की गई है। ओवरऑल देखने में मुझे काफी फ्रेश लग रही है और कुछ कुछ मिनी बलेनो की याद दिला रही है, हो सकता है इस वजह से काफी इंडियन इसको पसंद भी करें। चलें कार के भीतर चलते हैं, भीतर जाते ही आप चौंक जाएंगे, कार में आपको पुश स्टार्ट बटन भी दे रखा गया है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आपके साथ शेयर करनी जरूरी है कि आपको इस कार के साथ आइडियल स्टार्ट स्टॉप फंक्शन दिया जा रहा है, जिसे एक कंपनी किसी जमाने में माइक्रो हाइब्रिड कहकर बेचती थी अपनी कुछ कारों को, वो स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी इसमें भी मौजूद है और उसको स्विच ऑफ करने का ऑप्शन दे रखा गया है, ताकि गर्मियों में अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही हो तो एसी बंद ना हो, इसलिए आइडियल स्टार्ट स्टॉप को ऑफ करने का ऑप्शन दे रखा गया है। फ्रंट से मतलब जो डैशबोर्ड है वह मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन जिस पर सबसे पहले निगाह मेरी पहुँच रही है वो है इसका AMT का गियर लीवर। उसका डिजाइन बिल्कुल यूनिक है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है, एक बार लगता है क्या ये कॉन्सेप्ट कार का गियर लीवर है। हाँ, इस पे आपको रिवर्स न्यूट्रल और ड्राइव मोड दे रखे गए, सरप्राइजिंगली इसमें कोई पार्किंग मोड नहीं दे रखा गया है। हाँ, आप मैन्युअली इसको
भी शिफ्ट कर सकते हैं, इसके ऑप्शंस मौजूद हैं इस कार में, और मुझे यह गियर लीवर काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। बात की जाए डैशबोर्ड की, हाँ आपको LCD स्क्रीन मिल रही है जिसमें एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी पहले ही अपनी एक कार में दे चुकी है जो है वैगनआर, और यह थोड़ा पॉपअप टाइप डिजाइन का है जो कुछ लोगों को काफ़ी पसंद भी आएगा। डैशबोर्ड देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसकी क्वालिटी कैसी है वह मैं आपको अपने ड्राइविंग पोर्शन में बताऊंगा, जो कि होपफुली रिव्यू वीडियो हमारा 17 नवंबर को पब्लिश होगा सुबह 9 बजे। तो प्लीज़ नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले वह रिव्यू वीडियो देखने को मिल जाए जिसमें कि मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगा, कार की फ्यूल इफिशेंसी, चलाने का एक्सपीरियंस, राइड क्वालिटी, हैंडलिंग, कंफर्ट, स्पेस, इंजन परफॉर्मेंस। और इंजन परफॉर्मेंस से याद आया कि आपको बता दूं यह डुअल VVT इंजन सेटअप के साथ आ रहा है, जो कि के सीरीज का इंजन है, और डुअल VVT होने की वजह से इसके ज़्यादा फ्यूल इफिशेंट, ज़्यादा पावर प्रोवाइड करने की संभावना बढ़ गई है। कंपनी का कहना है कि यह अब इंडिया की सबसे अधिक फ्यूल इफिशेंट कार बन गई है। होपफुली इस कार की ARAI सर्टिफाइड फ्यूल इफिशेंसी फिगर आ गई होगी, तभी कंपनी ऐसा अनाउंस कर रही है। नई डिजाइन मुझे अच्छी लग रही है। कंपनी का कहना है कि उन्होंने इसमें काफ़ी सेफ्टी फीचर्स, कंफर्ट के फीचर्स और कन्वीनियंस के फीचर्स इंक्लूड किए हैं। इस बारे में मैं अपने कमेंट अभी रिजर्व रख रहा हूं। उसकी वजह यह है कि इस कार को अभी तक मैंने चलाया नहीं है। जल्द ही मैं इसे अगले हफ्ते चलाने वाला हूं। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि यह कार कैसी है, और मेरा रिव्यू वीडियो 17 को पब्लिश हो जाएगा। सिलेरियो अपने स्टाइल की वजह से जानी जाती थी, और इसमें AMT वेरिएंट भी मिल रहा है, लेकिन अभी तक यह कंफर्म नहीं है क्या यह कार CNG के साथ भी एट द लॉन्च, मतलब लॉन्च के समय ही दी जाएगी, और दी जाएगी तो क्या हुआ है इसी डुअल VVT सेटअप इंजन के साथ होगा, इसका मुझे इंतजार है, और मैं यह जानना बहुत बेसब्री से चाहता भी हूँ। हाँ, यह कार मारुति सुजुकी के अरेना प्लेटफॉर्म के थ्रू ही बेची जाएगी। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ना भूलिएगा। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि सेलेरियो भारतीय बाजार में बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली कभी पोजीशन नहीं की गई, यह हमेशा वैगनआर की छाओं के नीचे दब गई, और आल्टो चाहने वालों ने सेलेरियो को प्रेफर नहीं किया, और वैगनआर चाहने वालों ने भी सेलेरियो को प्रेफर नहीं किया, इसलिए सेल आल्टो और वैगनआर को तो अच्छी मिलती रही, लेकिन सेलेरियो थोड़ी पिछड़ गई थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे बलेनो और स्विफ्ट तो भारतीय बाजार में अच्छा परफॉर्म करती रही मारुति की, लेकिन इग्निस थोड़ी पिछड़ गई। तो क्या सेलेरियो को अब नया मौका मिल गया है बलेनो जैसे कपड़े पहनकर या डिजाइन इंस्पायर्ड होकर नई सेल नए ढंग को और ज़्यादा पकड़ सकेगी? वैसे भी भारतीय बाजार में मारुति की कारें तभी ज़्यादा सक्सेस पाती हैं जब वह धीरे धीरे उनका ब्रांड पुराना होता है। आल्टो इतने सालों के बाद उसे अच्छी सक्सेस मिली, बलेनो स्विफ्ट सालों पुराने ब्रांड हो चुके हैं इंडियन मार्केट में, इसलिए उनके पास एक अजब सक्सेसफुल रिकॉर्ड रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वैगनआर और डिजायर के पास मौजूद है। जबकि सिलेरियो उसके मुकाबले थोड़ा नया था, इग्निस थोड़ा नया था, इसलिए उसको वो सक्सेस नहीं मिली। लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में आपकी क्या राय है, इस कार के बारे में आप क्या सोचते हैं यह भी बताइएगा। अगर आप भी इसका इंतजार कर रहे थे तो भी लिखना ना भूलिएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा आपके विचारों को जानकर। प्राइस की बात की जाए तो मेरी एक्सपेक्टेड प्राइस इस कार की है 4 लाख रुपीज से स्टार्ट होकर और 7 लाख रुपीज तक जाने की संभावना है। आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। वीडियो कैसा लगा वह भी लिखिएगा। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस वीडियो को प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, और नीचे हाँ कमेंट में अपने विचार जरूर दीजिएगा। लाइक करना तो आप भूलेंगे नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। देखते रहिए आस्क कार गुरु।